नेशनल हाईवे फोर लेन की खराब स्थिति से अनजान बने और सोए हुए शासन प्रशासन को जगाने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रदर्शन किया गया, वो भी अनोखा प्रदर्शन जिसे देख के आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से ये हमारी खास रिपोर्ट। अचानक इस्पात नगरी भिलाई की महिलाएं और युवतियां नेशनल हाईवे में उतर कर रैंप वॉक करने लगी। ये महिलाएं किसी फैशन शो के लिए नहीं, नेशनल हाईवे के गड्ढे के मेंटेनेंस के लिए रैंप वॉक करके प्रदर्शन कर रही थी। भिलाई पावर हाउस चौक के पास करीब 2.5 घंटे तक यह आंदोलन चला। इस दौरान महिलाओं ने चश्मे टोपी के साथ गड्ढों में उतर कर डांस भी किया। महिलाओं का कहना था कि भिलाई से रायपुर जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे का सफर तय करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे में जगह जगह गड्ढे हैं। भिलाई निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन के नेतृत्व में महिलाओं ने यह मोर्चा खोला है। राज्य व केंद्र सरकार से उन्होंने जल्द से जल्द हाईवे के मेंटेनेंस की मांग की है। आपको बता दें कि भिलाई से कुम्हारी व रायपुर तक 5 अलग-अलग फ्लाईओवर का निर्माण नेशनल हाईवे में हो रहा है, जिसकी वजह से सर्विस लेन में ट्रैफिक बढ़ा है। जगह जगह गड्ढे हैं जिससे रोज हादसे हो रहे हैं। हमारे बच्चे, परिवार के लोग, बेटे बेटियां रायपुर जाते हैं या किसी भी जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर्स है, इस सड़क से गुजरना पड़ता है उन्हें, और जब तक वो घर ना लौटे हमारी चिंता में हालत ख़राब रहती है। जब बहुत कंप्लेंट की जाती है तो जैसे तैसे गिट्टी डाल के इसका मेकअप किया जाता है। सड़कों का हमें अब मेकअप नहीं चाहिए, इसलिए आज हम मेकअप लगा के आए हैं कि हमें ये सड़क 15 दिन के अंदर ठीक चाहिए, कि हमारी चिंता चली जाए, अपने ही देश में हम निश्चिंत होकर रहना चाहते हैं। नियमानुसार जो कंपनी जिसने ये फ्लाईओवर का काम लिया है उसके फर्स्ट एग्रीमेंट में इस बात का साफ उल्लेख है कि अगर आप फ्लाईओवर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सर्विस लेन को ठीक करना होगा। ये हमेशा जो है नेशनल हाईवे के गाइडलाइन में रहता है, उसके एग्रीमेंट में रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार फोर लेन भिलाई से लेकर रायपुर तक की स्थिति बस से बदतर होते जा रही है। इससे नुकसान ये है कि प्रतिदिन कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, कई दुर्घटनाओं से ग्रसित हो गए हैं और कई लोगों की मौतें इस फोर लेन के गड्ढों ने ले ली है। कई लोगों का घर उजाड़ दिया गया है।